नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौड़ और आप देख रहे हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी भारत भूमि एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां अनेकों विलक्षण साधु संतों महापुरुषों एवं फकीरों ने समय समय पर जन्म लिया है और मानव मात्र का कल्याण किया है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही सूफी फकीर के बारे में जो आज साईं बाबा के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। साईं बाबा का असली नाम क्या था, साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ और साईं बाबा किस धर्म के थे, आज भी यह अनसुलझे सवाल है। साईं बाबा को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के शिरडी में देखा गया था, जहाँ उन्होंने 5 साल तक एक नीम के पेड़ के नीचे रहते हुए गरीबों जरूरतमंदों की सेवा की, जिसे लोग चमत्कार भी कहते हैं। बाबा की सेवा में कोई दिखावा नहीं था, पर उनके नेक कर्मों ने हर किसी के दिल में आस्था का भाव जागृत कर दिया। बाबा जब भी किसी मंदिर में जाते तो अल्लाह के गीत गाते थे और जब किसी मस्जिद में जाते तो हिंदुओं के भजन गाते थे और होली दिवाली जैसे त्यौहार भी बिना भेदभाव के बाबा मनाते थे। बाबा अक्सर कहा करते थे कि सबका मालिक एक हैं। जब उनसे कोई उनका धर्म पूछता तो वो इंसानियत को अपना धर्म बताते थे। हर साल शिरडी में लाखों भक्तों की भीड़ जिस प्रकार जुटती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साईं की महिमा कितनी अपरंपार है। दोस्तों, साईं बाबा के मंदिर में एशिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां 40,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। कहते हैं कि साईं बाबा के मंदिर को कई किलोग्राम सोना चांदी का दान भी प्रतिदिन मिलता है, जो कि सालाना अरबों खरबों रुपये का डोनेशन है। दोस्तों, बाबा के भक्तों को विश्वास है कि जो भी बाबा के ऊपर विश्वास करता है, बाबा उनका कल्याण जरूर करते हैं। बाबा के दरबार में हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हैरतअंगेज वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।